आपको बता दें कि कैसे हादसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बेंगलुरु से आई जो तस्वीर है वो डरा देने वाली, जहां पर बेकाबू बस कैसे पांच गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है, मोटरसाइकिल कार को कुचलते हुए। वडोदरा में एक बच्ची हादसे का शिकार होती है, उसे विदेश जाना होता है, लेकिन वह रही थी। ग्रेटर नोएडा में तीन दोस्तों की मौत हो जाती है। एक बच्ची जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखती है, वो विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहती है, लेकिन एक छोटी सी गलती राजीव उसकी जान ले लेती है। बिल्कुल, एक दर्दनाक हादसा और एक सपने की अकाल मौत। सड़क पर जानलेवा लापरवाही और बिखर गई पूरे परिवार की खुशियां। अगले एक महीने में जिस बच्ची को पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना था, वो सड़क हादसे का शिकार हो गई। किया पटेल का वीजा मंजूर हो चुका था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की लापरवाही ने उसके सपनों को रौंद दिया। वडोदरा की सड़क पर इस हादसे की तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रविवार शाम 5 बजे वडोदरा, किया पटेल अपनी दोस्त जानसी के साथ स्कूटर पर जा रही थी। किया पटेल स्कूटर चला रही थी और जानसी उसके पीछे बैठी थी। सड़क पर लेफ्ट टर्न के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में किया पटेल सड़क की एक तरफ गिरी और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। हादसे के बाद लोग दौड़ पड़े। उस वक्त दोनों लड़कियों की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल जाते जाते किया पटेल की सांसों की डोर टूट गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर हरेश गोहिल को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो भी कार्रवाई हो, किया के परिवार के लिए रविवार शाम 5 बजे से पहले तक का वक्त वापस नहीं लौट सकता। दिग्विजय पाठक, वडोदरा आज तक। तो अब जरा बेंगलुरु की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस तरह ये हादसा हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। जिस तरह ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें अनियंत्रण किस तरह भारी पड़ सकता है, इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं एक के बाद एक जो आगे गाड़ियां थी सबको नुकसान पहुंचाता हूं।